वहां का कारोबार देखना चाहिए, अपने महाराज की देवी का काम देखना चाहिए, उसे अपने महाराज की देवी को चलना चाहिए। हमारे पास क्या बाप राजा, हम आज मन हुई तो परब आज मन हुई तो कलुआ जैसे कि हम अमराज हैं जय साहब। यह बात हसन वो बात कह भाई के जय हो कुर्सी महारानी। अब हम राजा हम आज हम मन तो करब आज मन तो कलुआ इधर जा रहे हो। अब हम राजा के हरे राम मूस हम राजा ही के हरे राम मूस अरे चला ससुरारी छूर गावे हेलो नाटक और मुझलके गा रहा है।
कहे महाराज। ये कौन सी बात है महाराज, राजा के दरबार में? महाराज आप गौर से सुनिए, आप नहीं थे, हमने सोचा कि आपकी प्रजा विचलित हो जाए, इसलिए महाराज आपकी प्रजा का मन बहलाने के लिए हम नाच गा रहे थे महाराज। बहुत होशियार हो महाराज, हम पुराण सिंह आ रहे हैं। क्या हो गया? खट्टा खट्टा वहां। अरे आराम है, आओ ले। क्यों रे? ये क्या हुआ? काला हो गया। अरे महाराज फिट हो गया। क्या हुआ महाराज? टन टन होएगा। ठीक हो गया? ठीक होएगा महाराज। काम करो, मैं सोच के भूचाल की कुट जाएगा मारी होला। जी महाराज। एक काम करो महाराज, ये भी तू कर भी। अरे तुमको मालूम होना चाहिए। जी सरकार। कि मैं इस राजपाट का मालिक से राजा हूँ, बाहरे नौकरी। महाराज मान मारो ना। तू यहां से भाग के कहां जाता है? फैला जो पहले मार ले, पहले वही का ले देगा मारे। जितना कहता हूं उतना पहले कर। मारा तो से मारा, मैं मरुआ सुना। हाँ महाराज अब ना मारे, अब पहला गायो जैसा है। अच्छा मुझे नौकरी देवायो मारे, तुम्हारा नौकरी कौन का लगाऊं? तारा लागत है ऐसा पिता है ना। क्या कहा? पढ़ा जाए महाराज। ठीक हो गया? ठीक हो गया महाराज। बैठ जाए, बैठ जाओ महाराज। बहुत होशियार हो। जी महाराज, पुराण सिंह आ रहे। क्यों रे भोला? जी महाराज। फिर वही नाटक नौटंकी शुरू कर दिया तुमने? हाँ महाराज। तुमको ये मालूम होना चाहिए, जितने दिन से मेरे राज में नौकरी करते हो गए, और तुमको भी हटा कानून कायदा। महाराज महाराज मैं कहा करूं, मोहिया दस सही जाती अब लगा दे महाराज। चलो फिर करो। मौका क्या कहा भोला महाराज? फिर सिंहासन लग गया।
हो गया बैठ जाओ। कौन सी बात का महाराज? और वो बात बहुत गहराई की है भोला, इसलिए कि मेरा चौथा मन विदित होने जा रहा है। हाँ महाराज तुम्हारा बार महाराज तुम्हारा बार भोला, मैं इस राजपाट को संभालने योग्य नहीं बचा। जब कोई गो महाराज, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस राजपाट का मालिक मुहैया मालिक महाराज, मैं अपने बड़े पुत्र सिद्धार्थ को क्यों ना बना दूं? ऐसा क्या कलू दबाई लोग आई चुके हैं। इधर आ, ये सारे उन ताजे महाराज लुपुर लुपुर का रहता है। इधर आ महाराज, और वहां पे खड़े हो जा। मैं जितना कहता हूं उतना सुन। जी महाराज, मैं इस राजपाट का मालिक अपने बड़े पुत्र सिद्धार्थ को बनाना चाहता हूँ, और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि जाओ मेरे महल के लिए चले जाओ और मेरे दोनों बालकों को, बड़े पुत्र सिद्धार्थ को और छोटे पुत्र हरदौल को इस सिंह नहीं राज दरबार में तुरंत निवास करो, और यह कह देना कि तुम्हारे पिताजी ने पधार जाएं। ऐसा पाप नहीं करता है, यहाँ पर बिसर बा। महाराज, महाराज गुस्ता की माफ हो। महाराज मुझे बिसर का तुम कहाँ कह रहे? क्या कहा? महाराज जग मार पर मराई, और तुम पूरा एक अच्छा बाका आ रहा तुम्हें बिसर का। महाराज, यह बताओ महाराज, तुम कवच नहीं मारे पाया हूँ? भोला जी महाराज, मेरी आदत बहुत खराब है और तुमको मालूम होना चाहिए। अरे मोहित का मालूम है भोला, तुम्हारे ना मैं तुम्हारा नाव गाड़ी छुआ दू बेटा। भोला जी महाराज, साइड में खड़े हो जाओ। ये ले महाराज, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे महाराज एक एक अच्छा बताओ, सुनो मेरी बात, मैं जिस तरह कहता हूँ उसी तरह आपको बोलना है। जैसे आप मुझसे कहना है, आप यहाँ से, आप यहाँ से मेरे मेरे महल में, महल में चले जाओ, चले जाओ मेरे मेरे बड़े बड़े पुत्र पुत्र जुझार जुझार छोटे छोटे पुत्र पुत्र हरदौल हरदौल शीघ्र ही शीघ्र ही मेरे राज दरबार में, मेरे राज दरबार में मेरे पास निवा लाओ, मेरे पास निवा लाओ, और कह देना कि आपके पिताजी ने आपको शीघ्र ही बुलवाया है, आपको शीघ्र ही बुलवाया है। जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, और ये संदेशा तुरंत भेजो, और ये संदेश तुरंत भेजो। तुम मुझसे कह रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। जाओगे महाराज? ये नौकरी में बस के नहीं है। जाओगे नहीं जाओगे? ये कहा जाओ महाराज?
सारे गाली देते हैं कंतल संदा का नहीं महाराज है आशीर्वाद महाराज भोला महाराज मुझो हर उखर गए इधर आओ खड़े हो जाओ खड़ा हो महाराज क्या बोलता था तू क्या बोल रहा था अरे महाराज यही बात कह जा रहा हूँ फिर जाओ जा रहा हूँ तुरंत जाओ अरे भाई जाओ तो महाराज पधार जाओ कहो जैसा चाहिए ना जान न जाना भाई अब हम मन नहीं कर जाएगा अरे हम ना जाइबे रे अब अकेले हम ना जाइबे रे के राजा के राजा के राजा चलो हमारे Thank you.
क्या बोलता है? पूरा राज्य ऊपर कर रही हूँ। ये कौन सी बीमारी तुमको पकड़ लिया भोला? ये और नगर ये को नौबती हाथ नहीं चलाना। मैंने बता दिया मैं देवता हूँ। ए भोला, भोला नहीं देवता हूँ मैं। ए कौन सा देव है तू? हनुस। ये कौन देव होता है? हनुस। अरे हनुस क्या होता है? कोई भेड़िया क्या हनुस? खत्म। तू ये साले शर्म नहीं लगती एक राजा को ऐसा बोलता है? महाराज मुआ कसूर नहीं है यहाँ। मजाको मजाको मान लो हमारा ही। क्या बताओ महाराज देवता का कहेगा? कुछ कही सीजिए। ए भोला जी महाराज, मैंने जो तुमको जो कहा वो कार्य करिए। जी महाराज। साले बहुत मारूंगा तुझे। हाँ महाराज मारे ना, जो घूस लेनी है। जाओ अभी जा रहे हैं महाराज, पधार जाए। हम मुझे चलना दीजिए राजमहल की ओर। महाराज आपको आपके पिता श्री दोनों भाइयों को रात दरबार में याद कर रहे हैं महाराज। अच्छा, हमारे पिता श्री हमको दरबार में याद किया है? जी भैया, यही मेरे आगे कारण है। चलो चलो भैया। खुश रहो, चिरंजीव रहो, और जहां रहो आबाद रहो। अजहर हो बर्बाद रहो, खूब जुमाता से खेलो। हे भोला जी महाराज, साले बहुत मारूंगा। पिताजी हमें आप किस लिए याद किया है? पिता श्री के चरणों में छोटे भाई छोटे पुत्र हदल राम से काम हो। खुश रहो, खुश रहो, चिरंजीव रहो, और जहां रहो आबाद रहो। बेटा हाँ पिताजी, तुमको अवश्य कार्य के लिए बुलवाया है। अच्छा पिताजी, और वो आपसे अवश्य बतलाऊंगा। ठीक है बतलाइए। और उसमें आपकी क्या राय है वो बाद में ही आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, कहो बतला दूं? हाँ बतलाइए पिताजी। मैंने आपको इस कार से बुलवाया कि मेरा चौथा पन वितरित होने जा रहा है। अच्छा, और मैं इस राजपाट को अच्छा संभालने योग्य नहीं बचा। अच्छा, और मेरी अवस्था है प्रभु की भजन करने की। अच्छा अच्छा, आप भजन करना चाहते हैं प्रभु का? हार्दिक इच्छा उमंग आई कि मेरे घर में मेरे राज में मेरे कोख में एक ऐसा पुत्र है जो पढ़ लिख करके सयाना हो चुका है। अच्छा, मैं उसको इस राजपाट का मालिक ना बना दूं। कहो आपकी क्या राय है? नहीं पिता श्री, हमारी वही राय है जो तुम कहोगे उससे मैं अलग नहीं हूँ। तो इस राजपाट का मालिक बनाना चाहता हूँ। क्या इस प्रजा को संतुष्ट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? ए भोला, तुरंत राज समाज राज तिलक की सामग्री इकट्ठा की जाए। बैठो, आज से इस ओरछा नगर के, आज से इस राज के आपका
हाजिर है। देव तुरंत तैयार किया जाए। ये ले महाराज। ये क्या है भोला? महाराज ये गंगा जल है, बहुत सुंदर। सभी गंगाओं का जल है महाराज, बहुत सुंदर। और बोलो महाराज, ये हाथी आला इसमें क्या है? महाराज आज बहुत बार खेती में खाई थी। हाँ वो भी ठीक है। और बोलो महाराज, पूछ सामग्री है जाती लग के महाराज। ये ले महाराज, ले महाराज राशन पहनाओ। भोला खड़े हो जाओ। जी महाराज। क्यों रे? नहीं महाराज, ये मोतियों का हार रसन ले गया है महाराज। हरामी साले। अरे महाराज मो फूट का गोला। बहुत मारो वो साले। इधर आ। मैंने तुमसे क्या कहा कि राज तिलक की सामग्री इकट्ठा की जाए? तो वहां चला गया महाराज। अब तू ये गंगा जल ये सब क्या लेके आए है? तो महाराज गंगा जल नहीं लगता है। चलो ठीक, सब काम में सब चीज लगता है महाराज। राज तिलक की तैयारी की महाराज, मैं भरे लिया था। अरे कितनी लोगे? 100, 200, 400, 500, 1000? महाराज 1000 ज्यादा हुआ जी, मुझे एक आना चाहिए। कितना? एक आना। एक आना वो महाराज पुराना रुपया। अच्छा पुराना वाला, छत्ता वाला महाराज। अच्छा, और आपकी घरवाली का? हाँ महाराज अकेले ड्यूटी कर लियो महाराज। नहीं नहीं नहीं, आपकी घरवाली का उस काम करना हो। हाँ तो महाराज वो तुम नौकरी हटा दिया। क्यों हटा दे महाराज? फल हो गई खा ले महाराज। सुनो, आपकी घरवाली का महारानी के लगे सेवा करेगी
और आप हमारे यहाँ रहेंगे। तो महाराज मैं महाराज की सेवा कर दिया हूँ और तुम्हारा सेवा कर दिया हूँ। क्या कहा? यह दो तुम हाजिर बजा लू महारानी की सेवा करो। महाराज महाराज माँ तुम पूरी बच्चे तक सरा की आई है। क्यों रे? क्या बोला? महाराज को नहीं बोलिया। ठीक है, जो कोई हमारे ड्यूटी करोगे, जो कोई संदेशा लेकर के आए, वो संदेशा हमारे पास आपको भेजना होगा। ठीक है महाराज, जैसे आप कहते हैं महाराज। भैया हरदौल। भैया कहो महाराज, हमारे छोटे भाई को इसको मदरसा ले जाना है, वहां इसका नाम लिखाना है आपको। ले जाइए और नाम लिखाइए और अच्छी तरह से कह देना, मन लगा करके पढ़ेगा। जैसे क्या भैया? भैया देखिए आपके। बोलिए भैया क्या बात है? बड़े भैया का उनकी आज्ञा हुई है। हाँ, कि हमारे छोटे भ्राता हरदौल को काशी जी ले जाकर के गुरु जी से शिक्षा का ध्यान करवा के और पुनः वो सागरी वापस ले आओ। तो भैया आप ये कैसी कह रहा है भैया? भैया कहो भैया। ये मेरे भैया भैया नहीं है, ये मेरे पिता है। हाँ भैया, क्योंकि मेरे पिता जी जब गुजर गए तब मैं इतना छोटा सा था। हाँ भैया, इन्होंने पाल पोष कर मुझे बड़ा कर दिया। हाँ भैया, अब इनका इरादा है कि मैं भाई को भाई समझकर नहीं पुत्र समझकर इसकी पढ़ाई लिखाई कराऊं। क्यों रे भैया? इन्होंने आपसे कहा कि इनका नाम लिखाओ किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। हाँ भैया, और इनकी पढ़ाई करवाई जाए। हाँ भैया, यही बात है ना? यही बात है भैया। तो अब हमें चलना चाहिए अपने पिता समान भैया का आदेश लेकर न चलना चाहिए। हाँ भैया, और जब कहीं जाना है तो देखिए उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, चलो भैया। तो भैया हमें अपने भैया का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए क्योंकि हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। और ये
भला आपके छोटे भाता की पढ़ाई लिखाई पूरी होगी महाराज। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पूरी हो गई जी महाराज। तो ठीक है, आज से चौथे गेट में आपकी ड्यूटी है, अगर कोई आए तो संदेशा हमारे पास अवश्य भेज दें। जैसे क्या महाराज के अरे बिना रे तोरा कहा बेगारो, अरे बिना रे तोरा कहा बेगारो, जन्म दे घर नाही का, जाने वालों का इंतजार करूंगा। कोई शब्द तो होगा ए हम आइन हम तुम्हारी वही आई आ रही, तुम्हारी भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही। वही ये क्या शब्द होता है? वही इसको हिंदी में बोलो भाई साहब। ए हाई है, ये क्या शब्द है? ये चूतिया का यार। यार देखो भाई साहब उल्टा सीधा यार, देखे बताए ना कहाँ से आए यार भाई साहब, कहाँ रहा था यार? पहले मेरी बात तो सुनो। कुआ ही यार, सुनोगे तो। मैं बूंदी शहर से आया हूँ। अच्छा बूंदी लेके आया है, ये सब यार। फिर वही बात। ए भाई साहब इधर आ। ए भाई साहब, ए सास का यंग है या बने धमा करा लियो। ए भाई साहब, क्या ये मजा आते से बूंदी? अरे यार भाई साहब खाने वाली बूंदी नहीं है। भूख लगी। अरे मेरी बात तो सुनो। आज इतना नहीं पाया। हे भाई साहब, खाने वाली बूंदी नहीं, बूंदी शहर है। अच्छा शहर वाला ही नहीं। यार भाई साहब उल्टा सीधा बोल। किलो है? अरे भाई साहब मैं शहर वाला नहीं हूँ। अरे मैं बूंदी शहर से आया हूँ। पहले मेरी बात सुनो। भाई साहब, अरे भाई साहब सच बताओ कौन हो, कहाँ से? बूंदी शहर से आया हूँ, राजा धीराज ने मुझे भेजा है। या तो वही को यार। अरे मैं एक नाई हूँ, आपकी भेजे आए। भाई साहब नाई यही अब आई है वो यार, तो इसे अब मोर या कटिंग काट दे, मोखल ही कटे यही यार। भाई साहब के तलाश है, खाता है। मैं वो नाई नहीं हूँ। अभी कौन नाई आई? मैं टिपना लेके आया हूँ। अच्छा पिकना वाला संदेशा देने आया हूँ। पिकना वाला ही दे। ए भाई साहब मोरलवा का मूर्चा अनपरी है, तो इसे मोरल धान निकाल दिया है। भाई साहब मुझको आपके राज दरबार में आपके राजा से मिलना है।
मिलवा सकते हो? ये आगे से कहा था, आ ही को आया था, ढंग से बता गए कहां से आए। अरे यार भाई साहब, मैंने बता दिया कि मैं बूनी शहर से आया हूँ, ना ही हुई एक डाकिया। अच्छा कहाँ कहे? डाकिया। ये बंदूक वाला भैया कहाँ का? मैं सागे धमक दूँ? ये सामान आज मैं तो आका पर आया हूँ, कहते चोर का नहीं वही ये मसाज के। मैं तारे माता जहाँ से हुई है वापस वही गए। अरे तुम्हारे राज में ऐसा भी होता है? अब हमारे राज में कौन सा हुआ? अपने राज लुटवा ले, कोई अति चाहता है तो उसको मार दिया जाता है। या तो ये बताता ठसने से तक कहाँ से कहे का आया? अरे भाई साहब मेरी बात को श्रवण करो, मैं बूंदी शहर से आया हूँ। अच्छा? राजा धीराज ने भेजा है, मैं एक डाकिया हूँ और ये टीपना लेके आया हूँ। ये शादी का कार्ड है। या भाई, या भाई, या का है का आया। राजा धीराज की लड़की का स्वयंवर है, कहा का सितंबर है, शादी का कार्ड है। अच्छा शादी क्या रहा है? अवश्य आया तो अवश्य का बात भाई साहब, मैं राम ने हम आठ भाई में आठ बार हुआ फिरी थे कौनो बात की फिकिंग करें जो बात नहीं खाए। लेकिन भाई साहब ये सुनो, पहले आगे आगे ना भाग, पहले मोहित का जन्म खासा गुआन और बोकरा ठार हो भैया, हट्टा कट्टा जुआन मलिया तरी मजा लाई खासा बता कौन कभी है मोहिमा अहुमा राज क्या की जाए परसा हो ना यार। मैं तो इसे कौन दहेज ना दिया बिना भांग के शादी। भाई साहब पहले अपना पर्चे तो बताओगे? ए मां पर्चा का पूछा का यार, तुम यहाँ के कौन हो? जब तुम बात आने महीना हो यार। अरे तुम अपना पर्चे बताओ, तुम यहाँ क्या करते हो, किस लिए हो? हम यहाँ के आर पार है पूरे। इसका आंसर पूरा बताओ। या तो आर पार, आर पार पहरेदार, पहरेदार अपने राजा से मुझको मिला दो। या तक हुआ यार, मैं तुम्हारी पूरी शिकायत वहाँ ये मसाज कह दिया था जाऊं तक का नगुआ वहीं तक काजे मराई। मैं राजा साहब पास जा रहा हूँ, लेकिन तक खराब देखा था, माने कौन चीज में हाथ न लगाए, ऐसे साथ चोर का टाइप के देखा थे यार कि कौन चीज चोरा ली। ये पर्चा बाबा का है। ये भाई साहब बोलो, ये अक्षर मिले थे तो गड़बड़ा कर रहा था जान के। महाराज धीराज के जीवन की जयकार हो। महाराज, महाराज पूरी शहर से एक खराज आया हुआ महाराज और हमसे मिलना चाहता है महाराज, ठीक है उसे दरबार में पेश करो। जय श्री अज्ञा महाराज की। ए भाई साहब चलो महाराज का देश हो गया, हो गया हो गया, चलो 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 महाराज। महाराज के जीवन की जयकार। आप कहाँ से आए हैं? अवश्य बताओ ना महाराज। ठीक है बोलिए। मैं बूंदी शहर से आया। अच्छा बूंदी शहर से? राजा धीराज ने आपके दरबार में आपके पास भेजा। अच्छा और मैं एक डाकिया और ये शादी का टीपना लेके आया। शादी का टीपना लेकर के आया हूँ? अवश्य। आपका छोटा भाई हरगौर शादी से वंचित है, ये बड़ी खुशी की बात है कि शादी का टीपना आपके पास लेके आया। ठीक है स्वीकार करते हैं। हे भले हलो, खड़े हो, खड़े हो जी महाराज। चाहो इस भाई का खाना पीना का घर में इंतजाम कर लीजिए, जाओ ले कर जाओ। जय श्री क्या महाराज की। ये लेटर को जरा पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। ये
लेटर आया है, क्या चीज लिखा है? महाराज, ये लिखने वाले साले खसीद लिख दिया है महाराज। क्यों रे, आपको पढ़ने नहीं आता क्या? महाराज का अच्छा एक मैं फेल आप ही रहा था। अच्छा, आप फेल है? हाँ महाराज, पास हो गया है इस बार में। तो ठीक है, पढ़ के बताओ। अब पढ़ बताओ महाराज। श्री अश्री अजुगार श्री श्री अश्री जुगार श्री अब महाराज जुझासी के बहरी फिरी तो क्या बोला महाराज? ये मजौली का महाराज वहाया बोले हो, यही लिखा है महाराज? ये लिखा है। क्या लिखा है महाराज? इसमें लिखा है पार्टी ले जाने वाले का नाम महाराज। ये ना हो गया क्या? महाराज लिखा है महाराज, मारे ना महाराज। क्या लिखा है इसमें? ये पार्टी लिखा है इसमें? हाँ महाराज, इसमें लिखा है श्री श्री ईश्वरी श्री महाराज शासन को हमारा प्यार भरा नमस्कार पहुँचे। क्या पहुँचे? नमस्कार। नमस्कार ये अब महाराज आगे हालत है क्या? ये हाल का क्या है महाराज? आगे हाल ये है कि मैं आपके आपके छोटे भ्राता फरदाम के लिए ये शादी का टीपड़ा भेज रहा हूँ, जिसे आप स्वीकार कर लेना। आगे समाचार ये है क्या? समाचार समाचार महाराज, समाचार महाराज खाद कम है, भोला सुधर जाओ सुधर जाओ। आगे समाचार ये है कि अगले महीने हमारी पुत्री का दिसंबर है। दिसंबर है? स्वयंबर है, स्वयंबर जिसमें ये हमारा टीपड़ा स्वीकार कर लेना, नहीं तो हमारी कन्या हाथ तोड़े कुंवर जोड़े खड़ी रहेगी। सुधर जाओ भोला। ये लिखा है जो बोला है? ये लिखा है महाराज का कहना ये है, यदि आपने ये टीपड़ा स्वीकार नहीं किया तो हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अच्छा, यानी रिश्ता करेंगे तो आपके यहाँ महाराज करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ महाराज, आपको को खुशी होना चाहिए। हम आ जाइए, हम चलोगे ना? बारात आए तो ठीक है भोला, ठीक है भोला, जाओ महलों में संदेशा भेजिए महाराज, महारानी जी को, चंपा को। हम वहाँ खाएंगे बारात में। अरे तो बारात जाओगे तो खाना तो खाओगे महाराज, वहाँ खाएंगे। क्या खाओगे? काला जवान। अरे काला जाम हो गया। हाँ जाम और काला जवान नहीं है, काला काला में खा लिया जाम, जाम तुम खा ली। हेलो हेलो, जाइए सजे सजे जी, अभी जा रहे हैं महाराज। खुश रहो भोलो भैया। महारानी जी क्या बात है? आया हम। कहाँ से? बस वहीं से। अरे कहाँ से आए हो? वहीं से महारानी जी। लेकिन नाम तो होगा मौना, मौना हो? नहीं, मतलब जहाँ से आए हो। दरबार से, यानी महाराज झिझासी के दरबार से आ रहा हूँ महारानी जी। हमारे चले आए हैं आज। अच्छा चलिए फिर। हमारे यहाँ तुम्हारा स्वभाव बहुत पुल पुल देखा। अरे स्वामी जी के
चरणों में और ये दासी का स्वामी जी के चरणों में ये दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खोल रहा हूँ चंपा, चंपा, आपको इसलिए याद किया है कि आपका जो है छोटा देवर आपका लाडला है, उसके सगाई के लिए बहुत दूर दूर से टीपना आ रहे हैं। महाराज तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो खुशी की बात है तो किसी तरह से उसे शादी के से वो इनकार कर रहा है। लड़के उसके साथ के कह रहे हैं कि मुझे शादी नहीं कराना, ब्रह्मचारी रहे। अरे नहीं महाराज, वो बच्चों के खेल में साथ में खेल खेल में कह दिया होगा कि सुनो बच्चों, मैं शादी नहीं कराऊंगा, सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी कभी नहीं कराऊंगा। अच्छा। लेकिन आप टेंशन ना करें, क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं छोटे से पालन पोस करके पढ़ाया लिखाया, मुझे विश्वास है कि मेरी बात अवश्य मानेंगे। तो ठीक है, आपकी बात अवश्य मानेंगे, तो ले लेटर, उसे अच्छी तरह से समझा दे। देखो तो अपने देवरानी को, देखो फोटो भी आई है।